नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और सर्दियों के बाद अब धीरे धीरे हम स्प्रिंग सीजन की तरफ चल रहे हैं। गर्मियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि कौन सी सब्जियां लगानी है, कैसे लगानी है। तो इन सब चीज़ों के बीच में दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि सर्दी के बाद हमें अपने गार्डन की केयर कैसे करनी होती है, किस प्रकार हम अपने गार्डन की केयर करें कि हमें स्प्रिंग सीजन के लिए बेस्ट माहौल दे सके अपने गार्डन को और पौधों को अच्छी ग्रोथ में पहुंचा सके। तो दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी के साथ हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन से ज़रूरी काम है जो हमें अभी इस समय अपने गार्डन में कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा स्प्रिंग सीजन हमारे पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा रहे। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में मैं पहले बताऊं आपको कि कुछ 8 ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें कि हमें अपने गार्डन में इस समय करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो दोस्तों है, ये है कि सर्दियों के सीजन में जो मिट्टी हमारी है वो ड्राई नहीं हो पाई है और इसमें बारिश भी हुई है, नमी बनी रही है, तो ढेर सारे खरपतवार मिट्टी में जमा हो जाते हैं। मैंने कुछ साफ़ किए हैं, कुछ जो बचे हैं उन्हें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये घास है, जो वीड्स हैं, इन्हें आपको अपने सभी गमलों में से निकाल लेना है और इस प्रकार आप सभी गमलों की सफाई अपने कर लें, वीड्स को निकाल लें। और ये देखिए, मैंने निकाल के इन्हें अलग रख रखा है, बहुत ज़्यादा जम हो गए थे और सर्दियों में चूंकि बारिश ज़्यादा होती है तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है सभी पौधों में हमारे। तो इनको जो है गमलों से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इनकी दोस्तों हमें बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है और उसके बाद दोस्तों हमें अपने सभी पौधों की, देखिए मेरा रोज़ प्लांट है तो हमें अपने पौधों की जो है गुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए, इस प्रकार सभी गमलों की हमें गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पौधों, जिन पौधों की रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी ऊपर की तरफ, उन पौधों में आपको डीप गुड़ाई करना चाहिए। अगर रूट्स इनकी नीचे की तरफ जा रही हैं तो आप डीप गुड़ाई नहीं भी करते हैं तो चलता है, पर अगर आपके पौधे की रूट्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये मेरा अंजीर का पौधा है, देखिए इसमें जो रूट्स हैं इसकी, ये देखिए आप दिख रही होंगी एकदम टॉप पे ही ऊपर की तरफ दिखाई दे रही, तो इन पौधों में आपको इन गमलों में थोड़ी गुड़ाई को जो है डीप करना है। वो इसलिए कि जो फीडर रूट्स हैं ऊपर की तरफ है, मिट्टी नीचे की तरफ सख्त हो जाती है, रूट्स बांध के रखते हैं मिट्टी को, तो थोड़ी गुड़ाई डीप करनी। अगर थोड़ी बहुत ऊपर की जो रूट्स हैं ये डैमेज भी होती है तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फीडर रूट्स हैं, इनसे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है हल्के फुल्के डैमेज होने से। तो गुड़ाई आपको अच्छे से कर देनी है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा काम होता है, जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, पौधे जो हमारी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, नई ग्रोथ लेते हैं मार्च तक, फरवरी लास्ट या मार्च में, तो अगर कुछ पत्तियां, जैसे देखिए आप हमारी पत्तियां कुछ ख़राब हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, डिफोलिएशन का प्रक्रिया करनी है और जो पत्ते आपको ख़राब दिख रहे हों या फूल जो भी दिख रहे हों उन्हें आपको पौधों से अलग कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो भी पौधा हमारा जब है इस सीज़न में नई ग्रोथ लेता है, जैसे देखिए मेरा ये बोगनविलिया का पौधा है तो इसमें ये फूल हमारे निकले हुए थे, ये निकल चुके हैं और ये देखिए पूरा पौधा हमारी सभी पत्तियों को गिरा चुका है। अब कुछ दिन में ये फूल निकल जाएंगे या फिर मैं इन्हें खुद ही हटा दूंगा। तो ये जब पौधा अब स्प्रिंग सीजन में नई ग्रोथ पे आएगा तो इसमें ढेर सारी नई नई ब्रांचेज आएंगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी, देखिए पौधा पूरी तरह से लीफलेस हो गया है। तो आपको इस प्रकार अपने सभी पौधों में जिनमें पत्तियां ख़राब हो रही हैं या फिर कोई फंगस लग रहा है, जो भी अगर कोई बीमारी दिख रही हो, तो उनको पौधों से अलग कर देना चाहिए ताकि जो नई ग्रोथ आए पौधे में वो बिल्कुल ही अच्छी हो। अब दोस्तों, तीसरा जो काम है कि सर्दियों के में हम कुछ पौधों की अपनी शिफ्टिंग छाए में बारिश से बचाने के लिए उनको शिफ्ट कर देते हैं शेडेड प्लेसेस में, तो उन्हें हमें दोबारा से उनकी शिफ्टिंग चेंज करनी है, उन्हें ऐसी जगह पर रखना है जहां उनको पर्याप्त धूप मिल सके। अभी अगर मौसम बारिश आपके यहां हो रही है तो अभी आप कुछ दिन रुक के करें ये काम, जब बारिश ख़त्म हो जाए, मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगे, तो आपको गमलों की शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि पौधे
इस स्प्रिंग सीजन में अपनी ग्रोथ को पकड़ सकें और ग्रोथ कर सकें। इसके बाद दोस्तों जो चौथा काम है कि जो भी आपके गार्डन से लीव्स निकल रही हैं खराब पत्तियां, जैसे देखिए ये है, मैंने सबको जितना भी वेस्ट निकल रहा है आपके गार्डन से इनको इकट्ठा कीजिए। और इस समय आप लगभग आपके हमारे गार्डन के सभी पौधों से पत्तियां झड़ जाती है, एक तरह से कह लें आप पतझड़ का टाइम है, तो सभी पत्तियां निकल जाती हैं, पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और नई ग्रोथ की तरफ चलते हैं। तो जो वेस्ट लीव्स हैं आपकी, पत्तियां हैं या फिर जो भी वेस्ट हैं आपके पौधों के, उनको आप इकट्ठा कीजिए और उनसे आप कंपोस्ट बनाइए। वो आपके पौधों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं आपके पौधों के लिए। तो इनको इकट्ठा करके आप किसी बकेट में या किसी गमले में उनको भर के रखिए और उसमें थोड़ा सा डिकम्पोजर के तौर पे आप चाहे तो मट्ठे को यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, या फिर मार्केट से डिकम्पोजर लेके उसे उसमें मिला के उसको डिकम्पोज कर सकते हैं और अपने छत के लिए, गमलों के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करें तो जो स्प्रिंग सीजन है इसमें बहुत ज़्यादा मौसम गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है। तो इस सीजन में किसी पौधे की आपके अगर गमले छोटे पड़ रहे हो या फिर पौधे की ग्रोथ हो रही हो ज़्यादा, तो आप चाहे तो पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा गुड़हल का पौधा है, इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है और ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है तो इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। इसमें मेरे जो फ्लावर्स भी आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे आ रहे हैं और उसमें रूट बाउंड की समस्या भी नीचे होने लगी है, तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये बेस्ट सीजन है, बेस्ट टाइम है पौधे की रिपोर्टिंग करने की। तो आप भी अपने पौधे को रिपोर्टिंग करें इस सीजन में और नई ग्रोथ जब तक आने आप रिपोर्ट कर देंगे तो इस फरवरी के लास्ट तक आपके पौधे में फिर नई ग्रोथ का ये सीजन है, सभी पौधे अपनी ग्रोथ पे होंगे तो आपका पौधा रिपोर्टिंग स्टॉक में नहीं जाएगा और अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। फिर दोस्तों छठे नंबर पे आपको क्या करना है कि अपने सभी पौधों की जिनमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग का सीजन नहीं है, समय नहीं है, तो उन पौधों की आपको कटिंग और प्रूनिंग करनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे कुछ अमरूद के पौधे हैं तो इनमें अभी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अमरूद हो गया आपका, रोज हो गया, आप इन पौधों में कटिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं। आप आम का पौधा है, इनमें भी आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जिन पौधों में आपके फल नहीं लग रहे हैं या फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं तो उनकी आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। कोई फ्लावर प्लांट है या फिर वेजिटेबल प्लांट्स है, इन सब में आप कटिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं अभी। तो अगर अभी आप कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो स्प्रिंग सीजन में फिर उनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। फिर दोस्तों जो सातवां काम है वो ये है कि आप जो कटिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं अपने पौधों की, तो उन कटिंग प्रूनिंग्स को आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो फरवरी मार्च है किसी भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोइंग सीजन है, पौधों की ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप कटिंग्स लगाएंगे इसमें तो उनके ग्रो करने की, उनके सक्सेस होने की चांसेस 90% तक हो जाती है। तो आप इस मौसम में अपनी कटिंग्स को लगाएं और उनसे ढेर सारे पौधे तैयार करें। फिर दोस्तों लास्ट जो टॉप पॉइंट है हमारा वो आप जो ये अभी तक हमारे पौधे करीब 2 महीने तक रेस्ट पीरियड में रहे हैं, डॉर्मेंसी में रहे हैं, तो इस समय हमने इन्हें कोई कंपोस्ट नहीं दिया है, अभी अपनी ग्रोइंग पीरियड में जा रहे हैं तो इनके लिए कंपोस्टिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें हमें कंपोस्टिंग करनी है ताकि पौधे अपनी ग्रोइंग पीरियड में अच्छा कर सकें और अच्छी से अपनी ग्रोथ पकड़ सकें। तो इसके लिए दोस्तों हमें इन्हें कंपोस्ट देनी है। तो दोस्तों कंपोस्ट में आप इन्हें गोबर की खाद दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इनमें गोबर की खाद अपने लगभग सभी पौधों में दी है, तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा इनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आप इनमें फास्फोरस दीजिए जो मिट्टी को रिचार्ज भी करेगा, बूस्ट करेगा और मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स बनाए रखने में मदद करता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको दोस्तों कि आप ह्यूमिक एसिड, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने ह्यूमिक एसिड रख रखा है और मैं इसे भी आप अपने पौधों में अभी दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आप अगर इस तरह से आपके पास ग्रेनुलस फॉर्म में है तो आप 8 से 10 दाने 12 इंच के पॉट में दीजिए, ये पौधे की नेचुरल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। तो आप इस प्रकार अपने पौधों में कंपोस्टिंग कीजिए और फरवरी के बाद स्प्रिंग सीजन में अपनी गार्डनिंग का आनंद लीजिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ को देखिए। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।